पप्पू, क्या तुम्हें कभी कोई अवार्ड मिला है? मिला था लेकिन मैंने उठाया नहीं, पता नहीं किसका था, पीछे पड़ा हुआ था यहाँ पे। सॉरी, मैं भूल गई कि तुम्हें अवार्ड कैसे मिलेगा। लेकिन अगर किसी को अपनी लाइफ का पहला अवार्ड मिला हो और वो भी उसकी डेब्यू फिल्म के लिए, उसका क्या कहना है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अवार्ड विनर एंड सिद्धार्थ एज हिज दादा। ये तो इंग्लिश में है। अबे यार, कोई ढंग का डुप्लीकेट तो बुलाना चाहिए था ना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ। ये तो बड़ी टफ इंग्लिश में है। बेड़ा गर्ग हो तेरा। एंड द अवार्ड गोज टू कपिल शर्मा फॉर द बंग 5। अरे आप रो क्यों रहे हैं कपिल? हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे। बकवास नहीं कर रहे मैंने मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये अवार्ड मुझे मिलेगा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये अवार्ड आपको मिलेगा। दिल करता लड़कों की तरह पेट में मुक्का मारूं तुम्हारे। मेरा कहने का मतलब, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ये भाई साहब के हाथों मुझे अवार्ड मिलेगा। पर आप लोग तो कह रहे थे मुझे कामरान के हाथों से अवार्ड मिलेगा। हेलो, मैं ही हूँ कामरान। शुक्र है ट्रॉफी छोटी है, ज्यादा बड़ी होती पता नहीं चलता। कामरान कौन सा, ट्रॉफी कौन सी? वो देखो जॉन, बॉडी देखो उसकी, किसी भी की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसी बॉडी बनाई है। तुम्हारा तो चुम्मियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, श्रिंक हो गए तुम पहले से। ये चुम्मियां ले बैठी तुम्हें। लाओ अवार्ड दो मेरे को, निकलो जाओ टाइम से। जरा कामरान के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। तो कपिल जी, आप अवार्ड जीते हैं, आप हमारी ऑडियंस से दो शब्द कहना चाहेंगे? दो शब्द कम नहीं हो जाएंगे, तीन बोल सकता हूँ, लव यू ऑल। अरे आप तीन क्या, तीन से ज्यादा भी बोल सकते हैं। मैं तो वैसे ही बस वो कहावत करी थी, बुजुर्गों वाली कहावत। बुजुर्गों की, बुजुर्गों का नाम मत लिया करो। एक तो जब देखो इसको अपनी बातें याद आती है, बुजुर्गों का, बुजुर्गों को काम ही क्या, फालतू बैठे बैठे या तो कहावतें बनाते रहते हैं या भरी महफिल में गैस लीक कर देते हैं। अजीब अजीब लोग आते हैं। और बुजुर्ग लोग कहावतें भी कैसे बनाते हैं? एक बुजुर्ग ने कहावत बनाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। साली कौन सी चिड़िया जो पूरा खेत चुग लेती, ऐसा होते कभी? खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस कपिल समझा, सॉरी इस काबिल समझा। सबसे पहले ये जो मुझे अवार्ड मिला है, थैंक्स मकाओ, सॉरी मलाड, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहां तक नहीं पहुंचा, ये भाई साहब की वजह से पहुंचा हूं। इतना ट्रैफिक था ना बाहर, मुझे ये अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे के आए। खड़े हो जाओ, आपका मैं आपको हिट करना चाहता हूं। खड़े होइए। ये भाई साहब की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, ये मुझे अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे के। हालांकि इनका खुद का मुंह मोपड़ जैसा दिखाई उधर। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे डेब्यू एक्टर अवार्ड मिल जाएगा। कपिल, डेब्यू अवार्ड पहली फिल्म के लिए ही मिलता है। अगर किसी ने दो फिल्में की हुई हों, उसकी दूसरी फिल्म पहली से पहले रिलीज हो जाए तो चवन्नी की अकल ही एंकर पता नहीं किन्होंने बना दिया। जो एंकर है वो बोल ही रहा, चुपचाप खड़ा ना, तू तेरे को बेइज्जती कराने का ज्यादा शौक है। खैर, मेरी जिस फिल्म के लिए मुझे दबंग 5 जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, पहले ये फिल्म में मेरी जगह इसके जो डायरेक्टर है अरबाज, वो अपने भाई को लेना चाहते थे, लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मार्केट में हो। तो सारी दुनिया जानती है मैं 20 में से 18 घंटे मार्केट में रहता हूँ, कभी दही लेने जाओ कभी कुछ, तो सबको बताए सलमान भाई से ज्यादा मैं मार्केट में रहता हूँ। वैसे इस फिल्म के लिए आपको बताया, मैं अरबाज भाई को थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स अरबाज भाई, थैंक्स, लव यू ऑल। मैं इसलिए थैंक्स कहना चाहूंगा, हालांकि ये अवार्ड मुझे दबंग 2 में भी मिल सकता था अगर अरबाज भाई मक्खी का रोल करने की जिद ना करते। आपको बताया मैं बचपन से कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम सो मेनी डॉक्टर्स। मेरा दिल करता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कहते हैं ना भगवान ने जो किस्मत में लिखा होता है आदमी वही बनता है, सो मैं डॉक्टर ही बना। और यू नो मेरा दिल नहीं लगता था उस प्रोफेशन में, क्योंकि मतलब हीरोइन की बाहों बाहों डाल के जो स्क्रीन पे करने का मजा है वो कंपाउंडर के साथ कहां आता है। फिर ना मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने सोचा मैं लोगों का ब्लड टेस्ट करता हूं, एक दिन अपना करके देखूं। मैंने ब्लड टेस्ट किया, मेरे ब्लड में डॉक्टरी थी नहीं, ए बी पॉजिटिव निकला, अमिताभ बच्चन पॉजिटिव। तो मैं इस लाइन में आ गया। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, हालांकि वो मेरे सगे दादा नहीं है। मैं इतना सा था जब उनको मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाया था। मैं चाहूंगा कि मेरे दादाजी स्टेज पे आए, एक भाई हेल्प करे उनकी, नहीं एक ही बंदा, चार लोग मत करो माहौल देख के मर जाएंगे। आइए एक ही बंदा आए, ध्यान से दादाजी,
ध्यान से दादाजी उधर आइए, ध्यान से आइए, ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी, हेलो, लगता दादा की डेथ हो गई। हेलो दादा, इतना पुराना हो गया, मैं सोच रहा हूँ इसको रीडेवलपमेंट में भेज के ना एक नया दादा बनवा लूं। दादाजी उठिए 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 उठिए, इतनी बकवास कर रहा है तू, अवार्ड मिला अच्छी बातें कर तू है। याद है जब तू इतना सा था, जब तू इतना सा था तो मेरे को क्या याद रहेगा, इधर याद रहेगा, याद रहेगा, ऐसे नहीं बोलते। खड़े हो जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। आपको देखिए, आप दादाजी आपको ना प्रॉब्लम रहती है, इनको थाई मसाज कराने की बड़ी आदत है। मैं बोल रहा हूँ दो मिनट अवार्ड फंक्शन में खड़े होकर बात करिए, खड़े हो जाइए। ये देखिए आपके पोते को अवार्ड मिला है। अरे वाह वाह वाह, दादाजी क्या कर रहे हैं, मेरी ट्रॉफी तो नहीं तोड़ दी कहीं आपने? तेरा दादा टूट जाए, तेरे को मतलब नहीं बनता, ट्रॉफी की बात कर रहा है? दादा तो चार पांच दिन का ट्रॉफी सालों साल रहेगी मेरे पास, बड़ा ट्रॉफी तेरे से बाहों में ली नहीं जाती, इसलिए दादी तेरे पे भड़कती है रोज। बेटी उम्र भी हो गई है ना मेरी, उम्र हो गई है तुम्हारी, उम्र हो गई है, फिर ऊपर से ट्रॉफी भारी है, फिर भी याददाश्त कमजोर, याददाश्त कमजोर हो गई है, याददाश्त कमजोर। ये तो याद है कि नहीं कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आइए यार मेरे बच्चे हैं बेटी, एक एक तो फिर गिन क्या रहा था मैं गिन रहा था कितनी नाकाम कोशिशों की बात एक हुआ है। ये तो है ना, ये बुड्ढा बहुत बड़ा एक्टर है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है जिंदा रहने की, वैसे मर गया हुआ ये बुड्ढू कहीं का। वो देखो सामने कौन बैठा है, कौन? जॉन, जॉन। ओए ओए, ये कौन है? अरे जॉन, जॉन भाई आपके साथ सनी दीदी आने वाली थी, आई नहीं? अच्छा सनी लियोनी कौन है? सनी लियोनी, अरे आप कैसे बताऊं मैं, सनी लियोनी वो है जिसके पास लाइसेंस तो जहाज उड़ाने का है लेकिन आजकल ऑटो चला रही है। सबसे पहले मैं अपने बारे में खुद ही कमेंट्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोग क्या बोलेंगे, आपका शुरू में ठीक था, बीच में कुछ पंचेस बड़े भारी थे, बीच में कुछ हल्के थे, बीच में सिद्धार्थ गिर पड़े, मुझे समझ में नहीं क्या हुआ, यही बोलेंगे ना? तो ये सब बोलेंगे नहीं, क्यों खर्चा कर रहे, हम लोग खुद ही बोलते थे हमें नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लिए जोरदार तालियां, हमें कोई शुक्रिया बहन जी, पहली बार आई लगती हैं आप, ये होती रहती शूटिंग, आप पहली बार आई हैं कॉमेडी सर्कस में, कैसे प्रोड्यूसर के रिश्तेदार के ऐसे ही? हमें देखने आए कि जॉन अब्राहम को है, क्यों झूठ बोल रही है? वो पीठ पीछे इसलिए हमारा नाम ले रही है अभी। हमारे लिए जोरदार तालियां, हमने बड़ा अच्छा किया, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। अर्चना आप इस विनर के बारे में क्या कहेंगी? कपिल आप तो अपने रियलिस्टिक अंदाज में हमारे सामने आ रहे हैं, आप कितनी बार विन कर चुके हैं कॉमेडी सर्कस? सिक्स बार। तालियां बजाइए, छह बार जीत चुके हैं, इस बार फर्स्ट टाइम हारना है। ये आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती ऐसा, बहुत ही बढ़िया था, और पहले पहले तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं ऑलमोस्ट, कुछ अपना हेयर स्टाइल अलग करके आए हैं, अलग अंदाज में। सिद्धार्थ बहुत कम था आपके लिए करने के लिए, लेकिन आपने जो अपना सिग्नेचर स्टेप किया, वो टांगे ऐसे कर करके आगे पीछे आना, ये फिजिकल पंचेस बहुत अच्छा करते हैं आप दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया था, फैबुलस। थैंक यू मैम। जॉन जी, हम लोग फिल्म्स में काम करते हैं और वहाँ पे टेक्स और रीटेक्स और रीटेक्स मिलते हैं हमें, तो जो कपिल और सिद्धार्थ जो आप लोग ने यहाँ पे किया, आई थिंक मैं आई गेट शॉक्ड, मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी आसानी से आप लोग एंड मौके पे आप लोग कुछ इम्प्रोवाइज करके ऑडियंस को हंसाते हो। आई थिंक यू ऑल आर सुपर स्टार्स, बोथ ऑफ यू ऑल। सिद्धार्थ आप इतने यंग हो, यू गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, तो कंग्रेचुलेशंस, लेकिन जो आपके साथ है आई थिंक इज अ रॉक स्टार। अरबाज आपको क्या लगता है, कपिल का चांस है दबंग 5 में? 100%। कपिल ने जो बिगनिंग में जो एक एंथुजियाज्म एक नए एक्टर का दिखाया था ना, जो वो बहुत रियल है। इनिशियली जब एक एक्टर फिल्मों में आता है तो उसके लिए एक अपने फ्रेटर्निटी में रिकग्निशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, अवार्ड्स उसके लिए सब कुछ रखता है। वो मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरे को मुझे पहली फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, तब मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था एंड द मोमेंट माई नेम वॉज अनाउंस, वो आधी कॉन्वर्सेशन लेके मैं भाग गया, यू नो, तो बिकॉज दैट इज़ द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट इज़। इट वॉज गुड फन, वेरी इंटरेस्टिंग, और एक ऐसा साइड, ऐसा पहलू हमारे अवार्ड्स का, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो हमें देखने मिलता है, और एक्टरों का जो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। कपिल और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां।